Today I will start page number 33. The topic is trees in danger. Trees in danger. Okay. So take out page number 33, everyone. And you have to keep the finger. जहां मैं रीड कर रहा हूं वहां पे आपकी उंगली घूमनी चाहिए. मैं किसी भी बच्चों को पूछ सकता हूं मैं कहां पे आया हूं. ओके लेट्स स्टार्ट. ट्रीज इन डेंजर. लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था कि जो अमृता है, अमृता के फ्रेंड है, वो सब लोग ट्रीज की बहुत देखभाल करते हैं, ठीक है, और उसके छाया के नीचे वो खेलते हैं, उनकी देखभाल करते हैं. दे लव द ट्रीज. नाउ टुडे विल स्टार्ट ट्रीज इन डेंजर. टॉपिक क्या है? पेड़ खतरे में है. डेंजर मतलब खतरा, ट्रीज मतलब पेड़. पेड़ खतरे में है मतलब जरूर यहाँ पे पेड़ को काटने की बात कह रहे हैं. और ट्री को क्या खतरा हो सकता है? ट्री को खतरा कब होगा? जब उसकी कटाई होगी, जब उसको कोई काटेगा, तभी हम कह सकते हैं ट्रीज आर इन डेंजर. ओके चलो पढ़ते क्या है. मैं पहले पढ़ लेता हूं फिर मैं आपको समझा देता हूं क्या है. टाइम वेंट बाय. अमृता वॉज नाउ ग्रोन अप. वन डे शी वेंट टू ग्रीट हर ट्रीज. She saw that there were some strangers in her village. They had axes with them. They said that the king had sent them to cut trees for wood. The wood was needed for building the king's palace. Turn the page. Page number 34. Amrita was shocked. She went to the trees that the men were about to cut. She put her arms around the tree and hugged it tightly. The men shouted and threatened her, but Amrita did not let go of the tree. The king's men had to follow his order. They had to cut the tree. On seeing this, Amrita's daughter and hundreds of villagers, old and young, hugged the trees to protect them. Many people, including Amrita and her daughters, died to save the trees. When the king heard of this, he could not believe that the people gave their life for trees. He visited the village himself. There he learned about villagers' respect for trees and animals. Very nice. अब देखो यहाँ पे क्या बात की गई है. Turn the page number 33. Page number 33. You can see the picture. Picture में ऐसा दिया गया है. Picture से आपको मालूम पड़ जाएगा कि जैसे समय गुजरता है तो अमृता भी बड़ी हो जाती है. पहले अमृता छोटी होती है, अब वो अमृता बड़ी हो जाती है. और एक दिन वो उसके जो ट्री थे उसको ग्रीट करने गई. ग्रीट करने के मतलब डेली जैसे वो करती थी, देखभाल करती थी, उसको हग करती थी, वैसे वो एक दिन अपने ट्री को ग्रीट करने गई. मतलब उसको मिलने गई, या आप कह सकते हो गुड मॉर्निंग कहने गई, या उसको हग करने गई. तब उसने देखा कि कुछ स्ट्रेंजर मतलब जिसको जानते ना हो उसको स्ट्रेंजर कहा जाता है. तो कुछ ऐसे स्ट्रेंजर थे, ठीक है, वो उनकी कुल्हाड़ी के साथ आए थे. फोटो में आप देख सकते हो ये दोनों स्ट्रेंजर्स है और ये उनके साथ हथियार लेकर आए हैं कट करने के लिए. और वो कहते हैं कि राजा का ऑर्डर है, हमें यहाँ पे ट्री काटने हैं लकड़े के लिए. और वो लकड़े जो किंग का जो पैलेस बनेगा
उस पैलेस में यूज करने का है, ऐसा जो 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 स्ट्रेंजर होते हैं वो ऐसा कहते हैं अमृता को कि हम यहाँ पे पेड़ काटने आए हैं, हमें पेड़ इसलिए काटने हैं क्योंकि राजा का महल बनाना है और उसके लिए लकड़ी चाहिए। टर्न द पेज। अमृता वॉज शॉक्ड, अमृता शॉक हो जाती है और तुरंत क्या करती है कि जिस पेड़ को वो काटने वाले होते हैं उस पेड़ को जाके वो ऐसे हग कर देती है। आप पिक्चर में देख सकते हो कि जिस पेड़ की वो कटाई करने वाले थे स्ट्रेंजर्स, उस पेड़ के पास अमृता जाती है और उसको लपेट लेती है, मतलब उसको बचाने की कोशिश करती है और उसको इतना टाइट पकड़ लेती है कि वहां से वो दूर हटती नहीं है। लोगों ने उन पे चिल्लाया, धमकियां दी, जो स्ट्रेंजर्स थे उन्होंने चिल्लाया धमकियां दी पर अमृता वहां से हिली नहीं, अमृता पेड़ को छोड़ के गई नहीं। ठीक है, अब किंग का ऑर्डर था, किंग का ऑर्डर था कि जाओ और लकड़ी लेके आओ, तो जो ये जो किंग के जो लोग थे उसके जो आदमी थे उनको तो उनका ऑर्डर फॉलो करना ही पड़ेगा, तो उन्होंने क्या किया, पेड़ काटने लग गए। दे स्टार्ट कटिंग द ट्रीज और फिर इससे सब क्या हुआ कि जब ये पेड़ काटने लगे तो उसके साथ साथ अमृता और कुछ और भी जो अमृता और कुछ और भी ऐसे लोग थे जिनकी जान चली गई, आप देख सकते हो, क्योंकि सब लोग आके फिर सारे विलेजर्स आकर सारे विलेजर्स फॉरेस्ट में आ जाते हैं और सारे पेड़ को पकड़ लेते हैं, आप देख सकते हैं पिक्चर में। और एज पर किंग ऑर्डर लकड़ी तो उनको चाहिए थी, तो पेड़ के साथ साथ वो सारे जो विलेजर्स थे उनको भी मार डाला। और जब किंग राजा को पता चल जाता है कि ऐसी घटना हुई है, ऐसी घटना हुई है, तो वहां पे आता है राजा और मतलब वो शॉक हो जाता है राजा कि इतना प्यार है पेड़ के लिए, लोगों ने अपनी जान तक दे दी, इतना ये लव करते हैं, इतना ट्री को चाहते हैं और फिर उसको भी मतलब रिस्पेक्ट होता है, विलेजर्स के प्रति रिस्पेक्ट होता है राजा को कि सही में ये जो विलेजर्स है वो ट्री का बहुत ख्याल रखते हैं और जो मैंने किया है, जो राजा ने किया था वो कुछ गलत है। और उसके बाद वो क्या करता है कि ऑर्डर दे देता है कि आज के बाद मैं किसी को भी पेड़ काटने का कहूंगा नहीं। तो इस टाइप की स्टोरी मतलब ये कहने का मतलब क्या है, वी शुड नॉट कट द ट्रीज, हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए। हम लोग पेड़ क्यों काटते हैं, हमारी हमारी भलाई के लिए काटते हैं, हमें लकड़ी चाहिए तो पेड़ काट दिए, हमें रोड बनाना है पेड़ काट दिए, बिल्डिंग बनानी है रोड काट सॉरी पेड़ काट दिए। और इस तरह से यदि हम पेड़ काटते रहे तो एक दिन ये जो हरा भरा जंगल होगा वो पूरा बैरन बन जाएगा, बैरन मतलब बंजर बन जाएगी, मतलब कोई ट्री नहीं रहेंगे, और जब कोई ट्री नहीं रहेंगे तो हमें बारिश भी नहीं होगी, हमें बारिश कम होगी। ठीक है, तो ये देखो ये सच्ची घटना है, ट्रू स्टोरी है, आप इसको ऐसी मत मान लेना कि ऐसी दिखाया है, ये सच्ची घटना है। तो इतना प्यार है उनको पेड़ के प्रति, तो हमें भी ऐसा अटैचमेंट, हमारा भी ऐसा इमोशनल अटैचमेंट होना चाहिए उनके साथ, पेड़ के साथ।
ठीक है, कि जो पेड़ आपने उगाया है वो किसी को मैं काटने नहीं दूंगा, उसकी मैं देखभाल करूंगा। ठीक है, यहाँ पे वो दिया हुआ है, आई थिंक यू अंडरस्टूड दिस। दो क्वेश्चन दिए, उसमें देखो क्या लिखा हुआ है। डू यू रिमेम्बर दैट द एल्डर्स ऑफ दिस विलेज यूज टू से, क्या कहते थे विलेजर्स के जो एल्डर्स थे, क्या कहते थे कि यदि पेड़ है तो हमारी जान है, यदि पेड़ नहीं है तो हम नहीं है, ऐसा एल्डर्स कहते थे। इस विलेज के जो बड़े व्यक्ति थे वो ऐसा कहते थे कि पेड़ है तो हम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, डू यू थिंक दैट डू यू थिंक वी कुड सर्वाइव इफ देयर वेर नो ट्रीज एंड नो एनिमल्स, डिस्कस दिस इन योर क्लास। सेकेंड क्वेश्चन ऐसा है कि आपको लगता है कि यदि यदि पेड़ नहीं होंगे तो हम जिंदा रह पाएंगे, नहीं जिंदा रह पाएंगे, यदि पेड़ नहीं होंगे तो हमें खाना नहीं मिलेगा, हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ठीक है, हमें जितने भी फ्रूट्स मिलते हैं, वेजिटेबल्स मिलते हैं, वो सारे किस में से मिलते हैं, प्लांट्स में से मिलते हैं, यदि प्लांट भी नहीं रहे तो हमें फूड नहीं मिलेगा, तो विदाउट प्लांट्स, विदाउट ट्रीज आवर लाइफ इज नॉट पॉसिबल, हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है। समझ में आ गया, ट्रीज इन डेंजर, समझ में आ गया। चलो इतना पूरा होने के बाद मैं अटेंडेंस ले लेता हूं, कितने बच्चे प्रेजेंट है, कितने एब्सेंट, उसका पता चल जाएगा कितने प्रेजेंट है कितने एब्सेंट है। चलो सबको मैंने अनम्यूट कर दिया है। समझ में आ गया ना? क्या कहा है कि पेड़ काटने चाहिए, है ना? Yes sir. Yes sir. No sir. Very good. Very good. No sir. 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 No No sir. 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 ऐसा हो तो पेड़ कट कर सकते हो, पर उसके जगह पे दूसरा प्लांट उगा देना है। सपोज आपने एक ट्री कट किया तो एक ट्री आप उगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर, सर मैंने अपने टेरिस पर 10 प्लांट्स लगाए। वेरी गुड। अरे सर मेरे तो पूरे कंपाउंड में प्लांट्स है, तुलसी, मनी वेल, दूसरे बच्चे बिल्कुल बीच में मत बोलना, ठीक है? दूसरे बच्चे कोई यस सर मत कहना, टोटल 14 आर प्रेजेंट और दो बच्चे एब्सेंट है, कोई भी दो बच्चे एब्सेंट है। ओके दिव्या, यस सर, फेनिल, यस सर, जेंसी, यस सर, खुशीबा, प्रेजेंट सर, कृषि, प्रेजेंट सर, मिश्वा, सर, पंची, प्रेजेंट सर, रणवीर, प्रेजेंट, रुद्र, तक्षक,
प्रेजेंट सर. वनही प्रेजेंट. यज्ञा सर. प्रेजेंट सर. जेनी चौकसी प्रेजेंट सर. वंश प्रेजेंट सर. नंदन एब्सेंट. यस नंदन. नंदन का भाई कौन है? यज्ञा. मैं. हाँ कब आएगा वो कब आएगा वो अभी थोड़े दिन में आने वाला है. उसको बता दो कि सर ने इतना पढ़ा दिया है. ठीक है. Okay. और जितने भी मेरे क्लास मतलब जो रिकॉर्डेड क्लास है उसको देख ले एक बार. Okay. So, very good. Only one student is absent. Absent. 14 are present. Very good. सर. हाँ बोलिए बेटा. सर आपने नोटबुक मंगाया ना उसका हमने फोटो भेजिए ना मम्मी को देखना है. ठीक है भेज दूंगा. वर्कबुक ना वर्कबुक. हाँ ठीक है क्लास में. यस सर मुझे भी. हाँ ठीक है ठीक है. हाँ भेज दूंगा मैं. ठीक है ठीक है. सर हाँ सर अभी तो 15 है. ये मैं हूँ ना एक. इसलिए 15 दिखा रहा है. मैं हूँ इसलिए. पर मैं नहीं गिनाऊंगा ना इसलिए 14 ही. 16 होने जाएगी. हाँ पर वो कौन ये सर ये माहिर स्कूल छोड़ के चला गया ना. माहिर माहिन. लो सर जस्ट मेरा फोन आया. हाँ माहिन चला गया. चलो सबको मैं छोड़कर चला गया. सबको मैं अभी म्यूट कर रहा हूँ. ठीक है. क्यों क्यों सर क्यों आगे पढ़ना नहीं है सर. ओके द नेक्स्ट टॉपिक द विलेज इज प्रोटेक्टेड. दिस टॉपिक वी विल डिस्कस टुमारो. बाय एवरीवन. ओके ओके सर बाय.